रीवा में नगर निगम प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर श्रमिक परिवारों के घरों को तोड़ दिया, जिससे हजारों मजदूर बेघर हो गए। मजदूरों का कहना है कि प्रशासन ने बिना पूर्व नोटिस दिए ये कार्रवाई की है। मजदूर सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं और उनकी इस दशा को देखने वाला अब कोई नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां पूरा देश संकट से जूझ रहा है और सरकारें श्रमिक परिवारों से संवेदनाएं दिखा रही हैं, वहीं रेवा के रथरा बस्ती में प्रशासन की संवेदनहीनता दिखाई दी है, जहां प्रशासन के बुलडोजर ने तकरीबन 1000 श्रमिकों को बेघर कर दिया है और अब वे सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल वर्ष 2017 में रानी तालाब के समीप रह रहे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में श्रमिक परिवारों को सौंदर्यीकरण को लेकर रथारा बस्ती में विस्थापित किया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर उसी सौंदर्यीकरण को लेकर इनको मकानों को तोड़ दिया गया। मजदूर परिवारों का कहना है कि पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला के पीए राजेश पांडे उनसे मिलने गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके मकानों को नहीं गिराया जाएगा, मगर प्रशासन ऐसा करता है तो उसके पहले ही उन्हें 5000 रुपए दिए जाएंगे, परंतु बिना किसी नोटिस के नगर निगम के अमले ने पुलिस की सहायता से इन परिवारों को बेघर कर दिया। एक ओर जहां इस संकट की घड़ी में मजदूरों की घर वापसी हो रही है, वहीं अब उनके घर को उजाड़ दिया गया है। पांडे जी ने आए थे परसों तो बोले कि जितने हमारे रानी तालाब वाले हैं उनका भी नहीं गिरेगा, उनको जो हम 5000 रुपए दे देंगे, उनको कॉलोनी उनके बाल बच्चे को दे देंगे, जिसने नहीं पाए हुए हैं उसको भी कॉलोनी दे देंगे, इसके बाद हम आप लोगों को शिफ्ट करेंगे। और उधर उस साइड नाला बनेगा, इसलिए उस तरफ हम थोड़ा सा खाली करा रहे हैं, वरना भी आप लोग नहीं परेशान होइए। अब बताइए ये लोग कैसे कर रहे हैं कि एक ही बार में आके सबके किसी को खाना बनाना और रहना सामान निकालना दूलम किए हुए हैं। ये लॉकडाउन पे शासन पुलिस प्रशासन ने पकड़ पकड़ के हम लोगों से, हमारे ससुर जी ने भर्ती थे हमारे बच्चे से 3 बार पैसा लिए हैं पुलिस वाले के, लॉकडाउन में क्यों निकले हो? अब बताइए उनके दादाजी भर्ती क्या वो अंदर रहेंगे? ये पकड़ पकड़ के चोरी भी करते हैं ये लोग, पैसा ले लिए और आज हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, ये लॉकडाउन में अच्छा लगता है? ये रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत हुई है और नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।